दो इश्यूज आपके बीच रखने हैं। एक तो केंद्र सरकार ने देश भर के लिए गरीबों की चीनी में कड़वाहट घोल दी है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने चीनी पे सब्सिडी खत्म करने का फैसला लिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के चेयरमैनशिप में लिया गया था। कि गरीब लोगों की चीनी पे सब्सिडी खत्म कर दी जाए, जो गरीब लोगों को देश भर में चीनी पे सब्सिडी दी जाती थी। अब उसकी वजह से बीपीएल परिवारों की चीनी पूरी तरह से खत्म कर दी है भारत सरकार ने, और जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत मिलती थी उसकी सब्सिडी 6 किलोग्राम से घटाकर 1 किलोग्राम कर दी गई है। एक महीने में अंत्योदय परिवार 1 किलोग्राम चीनी में काम चला है और बीपीएल परिवारों को कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इससे पूरे देश में ही प्रॉब्लम हो रही है, दिल्ली में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और हमेशा से चलता आया है, केंद्र सरकार हमेशा ये स्कीम देती रही है, तो इतनी गरीब विरोधी कदम के विरोध में मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि अपने फैसले पर गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार करें और गरीबों को सस्ती चीनी मुहैया कराने पर का निर्णय लें, क्योंकि लाखों गरीब परिवारों की चीनी सब्सिडी खत्म होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है सीएम ने कि ये सब्सिडी दोबारा चालू की जाए। दूसरा एक इशू है दिल्ली के गरीबों का एक और, कि 1970-1980 के आसपास, उस वक्त जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गरीब और भूमिहीन परिवारों को ग्राम सभा की ज़मीनें दी गई थी। ओबीसी परिवारों को, हरिजनों को, विडोज विधवा महिलाओं को दी गई थी, आर्मी के लोगों को, मतलब फोर्स के लोगों को दी गई थी। तो ये भूमिहीन परिवार थे, उनको ज़मीनें अलॉट की गई थी मेहरौली में, नजफगढ़, कंजावला, नरेला, अलीपुर, ये इलाके थे जहाँ पे बहुत सारे लोगों को परिवार दिया गया था और ये देशभर में दिया गया था उस वक्त 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत। तो बाकी राज्यों में तो ये ज़मीन पे मालिकाना हक दे दिया गया है जो लोग को अलॉट किया गया था, दिल्ली में नहीं दिया गया। दिल्ली में क्योंकि लैंड एलजी के पास सब्जेक्ट है, ट्रांसफर सेंटर के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सब्जेक्ट है, तो मालिकाना हक एलजी के अप्रूवल से दिया जाना है। हमने सारे रिकॉर्ड्स, हमारे पास किसान आए थे सीएम साहब के पास में, वो लोग आए थे जिनको प्लॉट दिया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम का, तो सारी चीज़ें निकाल के देखी तो 2012 में शीला दीक्षित सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला लेके एलजी के पास अप्रूवल के लिए भेजा था, तत्कालीन एलजी साहब के पास। उस वक्त उन्होंने उसको अप्रूवल देने से मना कर दिया, उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया, कंकरेंस देने से मना कर दिया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया था और वो केंद्र सरकार के पास भेज दिया। 2012 से वो मामला केंद्र सरकार के पास ही लंबित है। उसके बाद सरकार भी बदल गई दिल्ली में और उसके बाद एलजी भी बदल गए, अब तो एक और एलजी बदल गए उसके बाद। तो अभी सारी फाइलें पढ़ने के बाद सीएम साहब ने एलजी साहब को लिखा है कि या तो, क्योंकि ये गरीबों के लिए है, लोग वहाँ रह भी रहे हैं, बस उनको मालिकाना हक देना है, ऐसा नहीं है कि उनको कहीं से ज़मीन अलग से देनी है, पर मालिकाना हक नहीं होने की वजह से उनको 50 तरह की प्रॉब्लम आती हैं, उस पर मकान बनाने से लेके लोन से लेके 50 तरह की प्रॉब्लम आती हैं। अभी वो मेरे पास में ऑफहैंड नहीं है, बाद में आपको रिलीज में डलवा देंगे। तो एलजी सीएम साहब ने एलजी साहब को लिखा है कि जो 2012 का सरकार का, दिल्ली सरकार का प्रपोजल था, उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट से वापस मंगा के उस पर कंकरेंस दे दें अपनी, ताकि गरीब लोग अपने हित में अपने मकानों के मालिकाना हक उनको दिए जा सकें, और या चाहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करा दें, क्योंकि अपने ऑफिस गुड ऑफिस का यूज़ करके, या तो सेंट्रल ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको अप्रूव करा दें, या फिर सबसे ईजीएस्ट तरीका है कि उसको प्रपोजल को वापस मंगा लें और जो तत्कालीन एलजी की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, अब उससे कंकर कर, अब उसको सेट असाइड करके इस प्रपोजल से कंकर कर जाएं, ताकि उन लोगों को सरकार देना चाहती है, उन गरीब लोगों को मकान मिल सके। ये दो इशूज आपके सामने, वो आपको इन्फॉर्मेशन मैं दिलवा दूंगा। कितने मना कर दिया था उन्होंने कि मुझे, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ।
ये अलग अलग साइज के छोटे छोटे प्लॉट थे। क्या इसमें सर ये भी कुछ आया था कि जो तरीके तुम लोगों ने ले लिए थे फिर ये वो नहीं, ये सब इश्यूज नहीं। मनीष जी इसके अलावा एक और सवाल है, आज 4 बजे विपक्ष के तमाम जो पार्टी है वो मिल रही है राष्ट्रपति चुनाव के कैंडिडेट के लिए, कांग्रेस और एनसीपी ये कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी इसमें शामिल है, आपको लगता है कि आपको आना चाहिए आम आदमी पार्टी भी इसमें आना चाहिए इस मुद्दे पे राष्ट्रपति चुनाव कैंडिडेट के लिए? ये तो वही बताएं क्या होना है। थैंक यू।